नमस्कार, मैं हूं धनश्री के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल को पथराव, तोड़फोड़, मारपीट और सुरमा बम पटकने वाले 9 आरोपियों को घमापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए पाया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैलाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 9 आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित करते हुए उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं आशीष पटेल की शिकायत पर पवन कुचबंदिया, तुषार शुभम, संदीप रूपेश, सुमित कुचबंदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पवन कुचबंदिया की शिकायत पर दूसरे पक्ष के आशीष पटेल, अभिषेक दुबे, अजित उरेहा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध किया है। बदमाशों द्वारा शीतला माई क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में घटना को अंजाम दिया गया था और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना घमापुर क्षेत्र में दिनांक शीतला माई के आगे कृष्णा कॉलोनी में दिनांक 20/4/22 की रात्रि 12:30 बजे करीब आशीष पटेल और उसके साथियों के साथ पवन कुचबंदिया और सुमित कुचबंदिया का वाद विवाद हो गया था। इस पर से आशीष ने पवन के साथ मारपीट किया तो सुमित ने उसके कुचबंदिया समाज के लोगों को बुलाया। इस पर से कुछ समाज के लोग वहां जाके एक राय होकर पथरावबाजी किए थे। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुआ था। कुचबंदिया समाज के लोगों ने बमबाजी भी की थी और उसमें कोई घायल नहीं हुआ था, पर आशीष के घर के गाड़ी और घर के कांच, खिड़की कांच तोड़ गए थे। काफ़ी स्थिति गंभीर हो गई थी। तत्काल कंट्रोल रूम से सहायता बल की सहायता लेकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया था। दो आशीष की रिपोर्ट पर पवन और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध मारपीट, नुस्कानी, बमबाजी का मामला पंजीबद्ध किया गया था तथा पवन के तरफ से भी मारपीट 327 और एट्रोसिटी का मामला पंजीबद्ध किया गया था और तत्काल रात्रि में ही अन्यत्र जगह दबिश देकर आरोपियों की तलाश की गई थी तो आरोपीगण नहीं मिल पाए थे। उसके दूसरे तीसरे दिन लगातार दबिश दी गई, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार करा जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अच्छी प्रशंसा, मतलब जिसकी सराहना हो रही है और आगे ऐसे बड़े अपराध ना हो, इस कारण इन पर और भी रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कुचबंदिया समाज के 2 लोगों के यहाँ उस दिन रात में दबिश दी गई थी, जिसमें संदीप कुचबंदिया और शेरू कुचबंदिया के यहाँ काफ़ी अवैध मात्रा में शराब भी मिली थी, जिसमें 49 का और पुलिस 34 पुलिस 2 की कार्रवाई की गई, जिसमें आज उन्हें भी गिरफ्तार कर भेजा गया और भी सूक्ष्म से विवेचना की जा रही है। जी हरचंद, ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।